नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ढाकर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। व्यापारी हो या नौकरी पेशा वाला व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे बेखौफ सड़कों पर घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यदि व्यापारी इसी तरीके से लूटता रहा तो व्यापार करना प्रदेश के अंदर खतरे से खाली नहीं होगा। दरअसल मामला अलीगढ़ के थाना अतरौली के अंतर्गत का है, जहां एक आरती मंडी से रुपए लेकर अपने घर जा रहा था। तभी मंडी और अतरौली चौराहे के बीच आरती से दो लोगों ने पीछा कर तमंचे के बल पर बैग छीन लिया। आरती के द्वारा बताया गया कि बैग में 90,000 थे, जिसमें कि 45,000 आरती की रोकड़ एवं 45,000 किसी एक किसान के बताए जा रहे हैं। वहीं जब लूट की सूचना मंडी के अंदर आरतियों को हुई तो उन्होंने लूट पर खुद व्यक्त करते हुए अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। आरतियों का कहना है कि मंडी के बाहर एवं अंदर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करानी चाहिए, जिससे लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जीबीएन 24 न्यूज के लिए अलीगढ़ से बंटी कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बच्चन सिंह। कितने की लूट हुई आपसे? मेरी 90,000 रुपए की लूट हुई है। 45,000 रुपए तो मेरी रोकड़ थी और 45,000 एक किसान के रोकड़ से बाहर निकलेगा उसी तरह। क्या समय था और मतलब किस तरह लूट हुई आपके? जैसे मैं पैसा यही अथॉरिटी लेके आया था अपना बैग है, और बैग लेके जैसे ही मैं आया चौड़ाई से आगे, तो मंडी गेट और चौड़ाई के बीच में दो लोग आए मोटरसाइकिल पर, उन्होंने मेरे ऊपर तमंचा तान के और बैग छीना झपटी करके छीन लिया। नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह राघव है और मैं प्रधान जी की आड़त पे मक्का बेचने आया था। दो तीन दिन पहले बेची थी, कल इन्होंने पेमेंट का आश्वासन दिया था हमें, लेकिन कल मैं दो तीन चक्कर भी लगाए, लेकिन पेमेंट शाम को काफ़ी देर के बाद मिला, इसीलिए इन्होंने कहा मतलब मैं चला गया था। वो पेमेंट बताया उनके पास रखा हुआ था, वही पेमेंट जो है इन्होंने सुबह फ़ोन भी किया था, लेकिन सुबह मैं नहीं आ पाया। बताया कि वो पेमेंट वो है, बदमाश जो उनके थैला सहित और रजिस्टर सहित लूट। नाम है सतीश कुमार। जो आड़तियों के साथ लूट होती है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं खुद हूँ उसका मुलजिम, मेरे पार्टनर है वो विक्रम। आप आड़तियों की सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे? सुरक्षा के लिए कहूँगा कि गवर्नमेंट को फोर्स लगानी चाहिए मंडी पे, हर मंडी के अंदर फोर्स होगी तो सुरक्षा रहेगी। पेमेंट लेने आरती जा रहा है 20-20 लाख, 10-10 लाख ला रहा है, रस्ते में लुटती है तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस तो लापरवाही हो रही है, पता चौड़ाई पर क्या हो रहा है? चौड़ाई पर लूट हो रही है, चौड़ाई से कितनी 20 कदम दूर है, 30 कदम। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अच्छा, आप इसमें आड़ती हैं? जी हाँ, मंडी में। ठीक है, आड़तियों के साथ लूटपाट जो हो जाती है उसके बारे में आप सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे? मैं सुरक्षा के लिए साहब ये कहूँगा कि एक जो गेट पे उस पुलिस के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, और एक दो बार जो है मंडी में गाड़ी से कामिंग भी होनी चाहिए, जिससे कि जो आए दिन लूटमार हो रही हैं, कभी किसानों से रुपए खींचते हैं, आज व्यापारी से पैसे छीने गए हैं, और वो भी जो है बड़े उसने ना देने की कोशिश की व्यापारी ने, तो उसके लिए जो है तमंचा वंचा भी दिखाया गया है, और दिन में 10 बजे का वक्त क्या है, 9:30 बजे का दिन दहाड़े। इस लूट से जो है हम लोग काफ़ी भयभीत हैं, आड़ती लोग। और